हमारे मित्रों, सिवान जिला के सारे भाई बंधु, माता पिता, छोटे भाई, बड़े भाई, हमारे सारे सिवानवासी, बढ़रियावासी, बढ़रिया विधानसभा वासी, सारे लोगों को मेरा सादर प्रणाम और दीपावली छठ की हार्दिक शुभकामना। आप लोग दीपावली और छठ अच्छे ढंग से मनाएं, ऊपर वाला करें, हर घर में हमेशा खुशी बरकरार रहे और आपस में मिलजुल कर सारे लोग रहें, यही हमारी शुभकामना रहेगी। मित्र सब, देखिए सब है, चुनावी मौसम रहा, चुनाव में दौड़ धूप मेहनत सब वर्ग के लोग, सब पार्टी के लोग, सब लोग कैल हटे, केहू के जीत मिलल है, केहू के हार मिलल है। सबके लिए हम लोग की भाई हार्दिक शुभकामना है, जो जो लोग हारे हैं उनके लिए भी शुभकामना है, मेहनत करें, जो लोग जीते हैं उनकी तो भी शुभकामना है, उनका तो भाई मेहनत काम आया। उनके सारे समर्थक लोगों को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषकर बढ़रिया की सारी आम आवाम जनता, सारे लोगों को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम। उन लोगों ने बहुत मेहनत से और तहे दिल से हम लोगों पर विश्वास रखा, महागठबंधन पर विश्वास रखा, तेजस्वी जी पर विश्वास रखा, बच्चा पांडे पर विश्वास रखा और उन्होंने अपना अमूल्य वोट दे करके उनको विजयी बनाया। इसलिए हम लोग बढ़रिया की जनता को ताउम्र तक हमेशा सेवा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। बस यही हमको दीपावली का मेन धन्यवाद देना था और हमारे पूरे बिहार की जनता के साथ एक छलावा भी हो रहा है, ठगा जा रहा बिहार के जनता को एनडीए के तरफ से, इसको थोड़ा गौर से सोचने की बात है। पूरी बिहार की जनता ये बात समझे कि भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए की सबसे बड़ी घटक दल है, एनडीए की, बिहार की नहीं, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, तो राज्यपाल महोदय को चाहिए कि जनता को माइंडेड का ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय जनता दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल आए, अपनी सरकार बनाए। अगर किसी कारणवश राष्ट्रीय जनता दल के जो भी नेता चुने गए हैं विधायक दल के, अगर वो असमर्थता जाहिर कर रहे हैं तो दूसरी पार्टी बनती है, भारतीय जनता पार्टी, उनको बुलाएं। तो लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा हो रहा है, एक तो उल्टा हो रहा है कि अब राष्ट्रीय जनता दल को बुलाने आपको चाहिए तो पता नहीं है बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे हैं, तो आपके ऊपर बात है। रह गई बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को जिताया है और विधायक को विधायक दल का नेता चुनना चाहिए और उसको नेता चुनना चाहिए जो विधायक बना हो, जिससे जनता ने जिताकर विधानमंडल में भेजी है, विधानसभा में भेजी है, उसको विधायक दल का नेता होना चाहिए, विधानमंडल दल का उसको नेता बनना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जस्ट उल्टा होता है, भारतीय जनता पार्टी में ऊपर से थोपा जा रहा है कि जो आदमी कभी न चुनाव लड़ा हो, नो आदमी न विधायक है, और उस आदमी को विधानमंडल दल का नेता चुनने की प्रक्रिया चल रही है, उनको आप उप मंत्री या चाहे मंत्री या जो भी बनाने सोच रहे हैं, जैसे सुशील कुमार मोदी जी, वो जोड़िए कि चुनाव नहीं लड़े हैं और उनको चाहिए उप मंत्री पद और विधायक दल का नेता उनको बनना है, आप बताइए, ये तो विधायक लोगों के साथ अन्याय है, बिहार की जनता के साथ अन्याय है। उसी दल में, भारतीय जनता पार्टी में ही एक है श्री प्रेम कुमार जी, जो गया से आठवीं बार विधायक बने हैं, आठवीं बार, अपने आप में हमको लगता है कि रिकॉर्ड होगा पूरे बिहार का, लेकिन उनको विधायक दल का नेता नहीं चुनकर लोग दूसरे किसी को चुनने की कोशिश कर रहा, ये तो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से हम आग्रह करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों से भी आग्रह करेंगे कि आप मौन नहीं रहिए, हाथ जोड़ के आपसे आग्रह विनय है, ये आपके साथ अन्याय किया जा रहा है। आप प्रेम कुमार जी को, जो आठवीं बार विधायक चुने गए हैं, जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं, आप देखिए बीजेपी में अगर उनसे पहले का कोई जीता हुआ व्यक्ति हो उनसे ज्यादा, उनको आप नेता चुनिए विधानमंडल दल का, जो विधायक बना हो, जो विधायक बनवे नहीं किया हो और उसको लोग एकदम सीरियस नेता मान रहा है कि उसको विधानमंडल दल का नेता चुनने की प्रक्रिया चल रही है, ये तो अन्याय हो रहा है। आप देखिए राष्ट्रीय जनता दल से भी तो कम से कम सीख लेनी चाहिए आप लोगों को। राष्ट्रीय जनता दल में आप देखिए, जो व्यक्ति, जो तेजस्वी जी, उन्होंने विधायक बने हैं तब उनके सारे विधायक मिलकर विधायक दल के नेता चुना गया है उनको, कम से कम लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो आप लोग अपनाइए। और आप विधायक बन गए हैं, आप किसी के रहमो करम पर नहीं है, आप डंट कर मुकाबला करिए,
और संगठन में ये बात को उजागर करिए, कहिए कि माननीय प्रेम कुमार जी को ही विधानमंडल दल का नेता चुना जाए, क्योंकि वो आठवीं बार विधायक बने हैं। वो सज्जन सीधे आदमी है, दलित परिवार से भी आते हैं, दलित परिवार से जो आते हैं उनका कोई चीज नहीं है, मर्यादा उनका नहीं है, उनको विधायक मंडल दल का नेता आप नहीं चुन सकते हैं, उनको हम नेता चुनिए, उनको आगे लाइए बिहार में। कि जो आदमी बैकडोर से आने चाहते हैं सुशील कुमार मोदी जी, उनको आप लोग नेता चुनने की प्रक्रिया कर रहे हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पूरा डुबो दिया अपने स्वार्थ में, न तो भारतीय जनता पार्टी अब कहां से कहां रहती। तो आप सारे लोग से हम आग्रह करेंगे, सारे विधायक लोग से आग्रह करेंगे भारतीय जनता पार्टी के, कि आप लोग इसका पुरजोर विरोध करें और पार्टी में इस बात को आवाज उठाएं, यहां से लेकर दिल्ली तक कहें कि पार्टी में वही आदमी विधान मंडल दल का नेता बनेगा, विरोधी दल का नेता बनेगा, या चाहे जो भी नेता आपको बनाना है, जो सबसे ज्यादा विधायक जीत कर आए होंगे, जो सबसे ज्यादा बार विधायक जीते होंगे, जैसे प्रेम कुमार जी 8 बार जीते हैं, अगर कोई 9 बार जीता है तो उनको बनाइए, कोई आपत्ति नहीं है। सुशील मोदी जीते हैं क्या 9 बार? क्यों सुशील मोदी के साथ बीजेपी एकदम बिल्कुल बीजेपी को सत्यानाश करने पर सुशील मोदी लगे हुए हैं? अब उनको तहरीर दी जा रही है, उनको सुने कि दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली किस हैसियत से बुलाया गया उनको भाई? चुनाव लड़बे नहीं करते हैं, 300 आदमी उनके सभा में जाता है, हेलीकॉप्टर उनसे छीन लिया जाता है, किस आधार पर गए हैं हमको समझ में नहीं आता है। सुशील कुमार मोदी को तो अपने आप साइड हो जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को अपने लाज शर्म बचाते हुए उनको अपने आप साइड हो जाना चाहिए, लेकिन वो लोग उसमें के नेता नहीं है, वो लोग चुनाव लड़ेंगे नहीं, और उप मुख्यमंत्री या मंत्री पद उन्हीं को चाहिए, और विधायक दल का नेता उनको बनना चाहिए। और प्रेम कुमार जी से भी हम हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे, अब मौन नहीं रहिए, चुप नहीं रहिए, आपकी राजनीतिक करियर के साथ, आपके समाज के साथ, और आपके साथ साथ पूरे भारतीय जनता पार्टी के MLA विधायक के साथ ये अन्याय किया जा रहा है। पार्टी ऊपर से जिसको चाहे वो आकर थोप देगी, आप लोग मान जाइएगा कैसे जी, मतलब जनता भाई लोकतंत्र चलेगा? किस तरह के आप जनप्रतिनिधि हैं? जनप्रतिनिधि आपको भेजा गया चुनाव जीतकर, जो भी जनता आपको भेजी होगी, हम भेजे या न भेजे, लेकिन आपकी जनता आपको चुनाव जिताकर भेजी, इसीलिए कि ऊपर से लोग आएगा थोप देगा उसको आप मान जाइएगा? बिल्कुल नहीं मानिए, आप एकदम कहिए हम मतदान कराएंगे, गुप्त मतदान कराइए, और प्रेम कुमार जी हो, प्रेम कुमार जी की जगह पर कोई और 9 बार विधायक बना हो, 8 बार विधायक बना हो, उस आदमी को कैंडिडेट खड़ा कराइए और उनमें आप विधायक दल का नेता चुनिए। बस यही आग्रह करते हुए कि आप दीपावली अच्छे ढंग से मनाइए, और आप चुप नहीं बैठिए, आप विधायक हैं, MLA हैं, आप लोकतंत्र का स्तंभ हैं, और अब बिहार से जीत कर गए हैं, किसी नेता के अनुकंपा पर आप नहीं गए होंगे। आप देखें ना सुशील मोदी को, जिसको आप नेता समझ रहे हैं, उनके सभा में 150, 200, 300 आदमी जुड़ता है सुशील मोदी का हैसियत, 3% लोग उनको मानता है, अब उनको आप नेता मान करके अपना गरिमा आप क्यों गिरा रहे हैं भाई साहब? सारे विधायक लोग समाग्रह करेंगे हाथ जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के, कि आप लोग सुशील मोदी का बायकॉट करें और एक अच्छे नेता का चुने, 3% वाले नेता को आप नहीं चुनिए, जो 3% नेता बिहार की जनता उनको मानती है, उनको आप अगर आप नेता मान रहे हैं तो बिहार की जनता के साथ और अपने मतदाता के साथ आप धोखा दे रहे हैं, अपने मतदाता का अपमान कर रहे हैं। अब मतदाता आपके नाम पर वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट दिया होगा, सुशील मोदी के नाम पर आपको वोट नहीं दिया होगा, ये हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं। 3% तो किसी को खड़ा कर दिया जाए, लोग 5% 10% लोग लोकप्रियता उनकी बढ़ जाएगी, सुशील मोदी मात्र 3% है, अब 15 साल से क्या नाम है उपमुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनको आप लोग दरकिनार करिए और अपना नेता चुनिए, अपना नेता चुनिए। सारे विधायकों से हाथ का आग्रह करेंगे, लोक लाज छोड़िए, शर्मिंदगी छोड़िए, और सुशील मोदी के पीछे घूमना बंद करिए। सुशील मोदी ना आपका कभी नेता थे, ना नेता है, ना नेता रह सकते हैं आपका, वो सिर्फ ऊपर से थोपे जाते हैं, उनके चलते आपकी गरिमा गिर जाएगी, जनता आपको फिर अगला इलेक्शन में पूछेगी कि हम आपको इसीलिए भेजे थे विधानसभा में कि 3% वाले सुशील मोदी को आप चुनिए, आप सुशील मोदी का बायकॉट करिए, और सुशील मोदी से कहिए कि वो MLA का चुनाव लड़े और लड़कर विधानसभा में आए, तब उनको आप समर्थन करिए, नहीं तो आप प्रेम कुमार जी को विधानमंडल दल का नेता चुनिए और उनको आपको जो बनाना है उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, विरोधी दल के नेता, जो जिस लायक सरकार किसकी बनेगी अभी गर्व की बात है, अगर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बन रही है तो विरोधी दल का नेता वो रहेंगे, विधानमंडल दल के प्रेम कुमार जी जोड़िए, आपकी सरकार अगर बन रही है तो अगर मुख्यमंत्री आप सबसे बड़े दल के हैं तो आप प्रेम कुमार जी मुख्यमंत्री बने, जो लोकतंत्र में जायज है उसको करिए, उसके लिए आवाज उठाइए। आप सुशील मोदी से डरिए नहीं, वो आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ना आपका सदस्यता ले पाएंगे और ना आपको हरा जिता सकते हैं, आप अपने नाम पर, अपने पार्टी के नाम पर आप जीते हैं चाहे हारे हैं, इसलिए आपसे आग्रह करेंगे, संगठन के लोग से भी आग्रह करेंगे कि आप MLA लोग का मान सम्मान रखते हुए उन लोगों की गरिमा बरकरार रखिए और विरोधी दल या नेता
जो भी चुनना है प्रेम कुमार जी को आप लोग चुनिए जो 8 बार विधायक बने हैं, और सुशील मोदी जी को आप लोग बायकॉट करिए, उनको पार्टी से बायकॉट करिए, उनको लज्जित करिए कि आपके चुनाव आपके प्रचार में 300 आदमी नहीं जाता है, 200 आदमी नहीं जाता है, किस हैसियत से उतनी बड़ी पार्टी का नेता बनने की इच्छा जाहिर करते हैं। जो गलती हुआ सो हुआ, सारे MLA लोग अब आगे आए और आगे आकर के इसका विरोध करें। बस धन्यवाद, प्रणाम।